कंपैक्ट मचान चार टॉपिक चार के ब्लॉग्स। अरे यार आज तुम कितना सुंदर दिख रहा हो, मतलब हैंडसम, आई मीन हैंडसम हैंडसम बॉय। अब मेरी बात सुनो कि हम ट्रिप के लिए निकल लेंगे आज, सुनी दो चार दिन में निकलने वाले हैं। बता दो हमारे साथ कौन जा रहा है। हमारे साथ जा रही ध्रुव भैया की फैमिली। मैं ट्यूशन का काम करा था, मुझे ट्यूशन की कॉपी ट्यूशन में रह चुकी है, मैथ की ट्यूशन की कॉपी मैथ की ट्यूशन में रह चुकी है, काम दिखाया था मैथ की ट्यूशन, ट्यूशन की कॉपी ट्यूशन 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 में रह गई। मैंने जो ही बोला आप समझ जाना, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, पर जो बोला ट्यूशन 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 बोला, ठीक है। तो अभी सभी वीडियो देख रहे छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनका नाम सुन के मेरे को एक स्टोरी याद आई। तो छत्रपति शिवाजी की मम्मी जो है वो किले की छत पे चढ़ रखी थी, और वो वहाँ से आगे तरफ जब देख रही थी रायगढ़, वो याद नहीं कौन सी एरिया की बात पर ये था, तो वो आगे महल देख रही थी और उधर उनको हरा झंडा पसंद नहीं आ रहा था। तो छत्रपति शिवाजी की मम्मी जी ने कहा था कि मेरे को ये लाल झंडा नहीं, मेरे को हरा झंडा नहीं चाहिए, तो मेरे को केसरी रंग का झंडा चाहिए वहाँ पे। तो छत्रपति शिवाजी ने अपनी माँ की बात सुनते ही पूरे कैसल के अंदर ये कह दिया था, बताओ आगे उस पे कौन अटैक करेगा, उस राज्य पे उस कोई आगे यार कि हम करेंगे हम करेंगे। तो फिर ताना जी आगे आए थे, ताना जी के बेटे की शादी थी वो आगे आए थे, और उन्होंने अकेले ने शायद से 400 या 600 पता नहीं कितने सैनिकों के साथ 40,000 क्या कहते हैं तुमको 40,000। वीडियो बंद हो गई थी, मैं देख रही और मैंने इतना बोल दिया। तानाजी ने अफजल खान के ऊपर अटैक कर दिया था जिनके पास 40,000 सैनिक थे उस टाइम के अंदर, महल महल के अंदर एक्टिव पता नहीं और कितने सैनिक थे। और उन्होंने तानाजी मलसर जी ने अपने बस 70-60 पता नहीं कितने थे मेरे को याद नहीं, 7,000 या फिर 6,000 कितने सैनिकों के साथ 40,000 के ऊपर अटैक कर दिया था। और जब अटैक करा था वो रस्सियों से नीचे आ रहे थे। ताना जी का एक हाथ कट गया था, उन्होंने जब भी उदय भान को मार दिया था, और जब उन्होंने वहाँ से एक तोप चलाई थी और शिवाजी को दिया था कि हाँ हम जिंदा हैं, और फिर उन्होंने एक जोर से आवाज़ चलाई थी जय मराठा, और फिर वो शहीद हो गए थे वहीं पे, उनकी डेथ हो गई थी। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को कि इसके ऊपर एक मूवी बनी है तानाजी मालुसरे, बहुत अच्छी मूवी है इंडियन की, सबको देखनी चाहिए इंडियंस को, ये हमारे ऊपर है हमारे धर्म वगैरह के ऊपर देखनी चाहिए। दो तीन मूवियाँ हैं ऐसे जैसे कश्मीरी फाइल्स हो गई, वो भी बहुत बढ़िया मूवी है मैंने देखी है, खतरनाक मूवी है, मैं थिएटर में देख के आया था, डर लगता है भाई देखते वक्त भी, क्या कैसे मैं बता भी नहीं सकता कितनी खतरनाक मूवी है। तो वैसे भी अब मैं आपको थोड़ी देर मिलता हूँ, बाय। आई थिंक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बेटा था संभाजी, उन्होंने 13 साल की उम्र तक 13 भाषा सीख ली थी, देख लो इतने समझदार थे संभाजी महाराज। उनकी जो दादी थी वहीं शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की मम्मी, उन्होंने उनको पाला कि वो जब शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वाइफ थी वो उनकी डेथ हो चुकी थी, जब वो संभाजी महाराज 2 साल के थे शायद से 2 या 3, तो उनको शायद से उसकी दादी ने पाला पोसा। और जब वो बड़े हुए ना, संभाजी महाराज के फादर की भी डेथ हो गई थी जब वो 5 साल के थे, आई मीन छत्रपति शिवाजी की भी डेथ हो गई थी क्योंकि उनके साथ छल हुआ था बहुत बड़ा, उन्हें छल नहीं मतलब बीमार थे, वो बीमार रहने लग गए थे बहुत ज़्यादा और बीमारी की वजह से वो मर गए थे। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बातें हुई। और फिर हम संभाजी महाराज भी बड़े हो गए, जब वो 16 साल की उम्र में थे उन्होंने 120 बैटल लड़ी और वो एक भी बैटल नहीं हारे क्योंकि उनकी बुद्धि की वजह से और उनकी ताकत की वजह से। उनको फिर औरंगजेब ने शायद औरंगजेब पे पकड़ लिया था, पता नहीं किसने पकड़ा था, उनकी दोनों आँख काट दी थी, उनकी हाथें काट दी थी, उनके सर के टुकड़े कर करके नदी के पास फेंक दिए थे। फिर सभी मराठाओं ने ये देखा था और सभी मराठा का खून खोलता था और सब ने अटैक करके औरंगजेब को ख़त्म कर दिया था। ये भी बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है मराठाओं के अंदर, बहुत वो है, हम भी बोलते हैं जय मराठा